दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स S5। प्रेडिक्ट किए थे मैंने स्पेसिफिकेशन और नियर अबाउट 95% तक राइट हुए। वही प्रोसेसर का A22 का P22 गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। 8999 में इसका 4GB 64GB वाला वेरियंट आया, लेकिन इन्फिनिक्स बहुत अच्छे काम कर रहा है। स्मार्टफोन बहुत अच्छा है जिस प्राइस पे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन हर एक स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता ना। कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें गिनाने वाला है इस वीडियो में। किस चीज़ पे स्मार्टफोन बहुत खराब उतरता है अपने प्राइस में, एंड कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा पीछे हो गया है, सारी चीज़ों की बात करेंगे, प्रोज कॉन्स सब कुछ। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं स्मार्टफोन कैसा है 9000 के हिसाब से। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने जो चीजें बताई थी सारी चीजें राइट हुई कंप्लीटली, खाली प्रोसेसर क्वाड कोर के बदले ऑक्टा कोर हो गया है, यानी A22 के बदले P22 हो गया, तो मेरे हिसाब से अच्छा है, प्रॉब्लम वहां नहीं है। बात करते हैं, शुरू करते हैं डिस्प्ले और डिजाइन से। डिस्प्ले डिजाइन मुझे जिस प्राइस पर 9000 पे 4GB 64GB वाला दोस्तों बहुत अच्छा लगा। आपको रियर साइड पे प्लास्टिक मिलता है जो कि ग्लास जैसा दिखता है, क्वाड कैमराज है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्वाड फ्लैश दिया हुआ है, फ्रंट साइड में पंच होल नॉच दिया हुआ है दोस्तों, अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, 720x1600 का रिजोल्यूशन है। अब 20:9 का रिजोल्यूशन है तो उसमें आपको 1600 वाला ही मिलता है। जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका एस्पेक्ट रेशियो भी बढ़ता है दोस्तों, अच्छा है देखने में, आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, एंड अच्छा स्मार्टफोन है देखने में, अच्छा लगता है। कुछ कह रहे हैं 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो कि मुझे तो नहीं लगता इतना होगा, लेकिन स्टिल 88-87% लगता है, और अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रहे हैं। बेजल्स बहुत पतले हैं और स्मार्टफोन दोस्तों देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो 9000 रुपये में आपको एकदम अलग दिखने वाला स्मार्टफोन लोगों को दिखाने के लिए चाहिए तो आप स्मार्टफोन को देख सकते हो दोस्तों। बॉडी, डिस्प्ले, डिजाइन, सारी चीजें 9000 के हिसाब से दोस्तों परफेक्ट है मुझे इस पॉइंट में। हाँ, आप कह सकते हो ग्लास नहीं दिया हुआ है सारी चीजें, लेकिन इस प्राइस में नॉर्मली बहुत सारे लोग देते भी नहीं है, रेयर ही कोई देता हो रियर साइड पे, लेकिन डिजाइन और डिस्प्ले के हिसाब से मैं कहूंगा अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रोसेसर। मुझे लग रहा है कि जैसे पहले Redmi ने 625 स्नैपड्रैगन 625 का बहुत सारा लॉट लेके रख लिया था, इतने सारे स्मार्टफोन आते थे, वैसे ही अब Helio P22 जो है दोस्तों वो इन्फिनिक्स का खुद का वो हो गया है। मीडियाटेक वाले, मुझे लगता है Helio P22 इन्फिनिक्स को ही दे दिया है। जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सारे इस पे ही आते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जितने भी आते हैं सारे इस पे ही आते हैं। या तो एक आध दो A22 पे चला जाएगा, बाकी सारे P22 ही वाले होते हैं, कभी लोग बढ़ाएंगे मुझे नहीं पता। अच्छा है, लेकिन 9000 के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा सा वीक है। 7-8000 तक ठीक होता, 9000 मुझे लगेगा थोड़ा सा बुरा लगा इसका, लेकिन ठीक है। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 2 GHz पे क्लॉक्ड है, 8 के 8 कोर जो हैं आपको कोटेक्स A53 वाले मिलते हैं, यानी बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, लेकिन पावर उतना खास नहीं मिलेगा। अगर आप PUBG खेलते हो, पावर VR का GPU है, तो PUBG अगर खेलते हो तो लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो, PUBG लाइट खेल सकते हो, मेन PUBG जो है दोस्तों वो आप लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो, हाई पे तो मीडियम पे भी जाओगे तो बहुत सारे लैग्स वैग्स आने चालू हो जाएंगे। तो गेमिंग वेमिंग के लिए अगर ठीक ठाक गेम है, नॉर्मल गेम्स है, तो सब अच्छी तरह खेल सकते हो, बाकी हाई ग्राफिक्स वाले गेम तो ज़्यादा कुछ खास नहीं चलेंगे। 80,000 के आसपास इसका स्कोर आता है AnTuTu का, ठीक ठाक है। एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर आता है, जो कि आपको उनका खुद का XOS चीता 5.2 जो है उसके ऊपर ही आता है। ब्लूटूथ बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन स्टिल अच्छा है, ओके टाइप का है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, ओके टाइप का। परफॉर्मेंस में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि P22 बहुत सारे फोन्स में आता है, ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, लेकिन P70, P60 अगर दे देना तो मेरे हिसाब से अच्छा होता था। P22 उस प्राइस के हिसाब से एवरेज ही कहूँगा मैं, बहुत अच्छे में तो नहीं जाएगा दोस्तों। अब आते हैं कैमरा सेक्शन में, तो अगर पंच होल नॉच को साइड में रख दो तो दूसरा इसका अट्रैक्शन जो है दोस्तों वो इसके कैमराज है। रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा जो है दोस्तों 16 MP का F1.8 अपर्चर के साथ आ रहा है, लो लाइट फोटोग्राफी आपको कमाल की मिलने वाली है। बूके पैनोरामा HDR सब कुछ कर सकते हो, 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो। दूसरा सेंसर जो है दोस्तों वो मैक्रो लेंस दिया, सुपर मैक्रो कहते हैं उसको, जिससे आप 2.5 सेंटीमीटर की दूरी से भी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी कर सकते हो, क्लोज फोटोग्राफी के काम आता है, अच्छा सेंसर है, चलो अच्छी बात है, काम कर रहा है, अच्छी चीज़ कोई दी हुई है, एंड फोटोग्राफी जो मैंने अभी तक देखा है वो अच्छे हैं, बहुत तो नहीं कह सकता लेकिन अच्छे आए हैं। तीसरा वाला सेंसर अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो कि 114 डिग्री तक का आपको फील्ड व्यू दे देगा, यानी उतना बड़ा वीडियोज आप वीडियोस तो नहीं इमेजेस आप कैप्चर कर सकते हो। देन लास्ट वाला सेंसर डेप्थ सेंसर है, जो कि ब्लर करने का काम आता है, बैकग्राउंड बूके इफेक्ट अगर आपको निकालना है तो उसे काम आएगा। तो क्वाड कैमरास दिए हुए हैं, क्वाड फ्लैश भी दिया हुआ है, 4 अलग अलग फ्लैशेस हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ें दी हैं रियर साइड पे।
देन उसके बाद फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का वही ब्राइट G1 वाला सेंसर मिलता है, एक्चुअल आउटपुट आपको 8 मेगापिक्सल का देता है, F2.0 का अपर्चर है उसका भी, वहाँ से आप बुके पैनोरामा HDR सब कुछ निकाल सकते हो, AI 3D फेस ब्यूटी मोड है इसमें, AR शॉट्स ले सकते हो, देन उसके साथ साथ फ्रंट सेल्फी से आप वाइड फोटोग्राफी ले सकते हो। एक्चुअली वाइड फोटोग्राफी आप कहो तो वाइड एंगल लेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक फीचर आता है जिससे आप 3 फोटोज वो एक साथ लेता है, 3 शॉट्स लेता है जिसे मर्ज करके वो एक फोटो बनाता है जो कि एक वाइड फोटोग्राफी आप वाइड एंगल लेंस का काम कर लेता है ऐसा कह लो। सारी चीज़ें हैं, कैमरा इसका प्लस पॉइंट है एंड 9000 के हिसाब से जो फीचर्स आए दोस्तों मैं कहूँगा अच्छे हैं, आप रियलमी 5 से कंपेयर कर सकते हो इसके कैमरास को, दोनों में कोई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं होगा दोस्तों। बैटरी डिपार्टमेंट में आए तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें, 4000 mAh की बैटरी मिलती है ठीक है इस प्राइस के हिसाब से, लेकिन आपको USB 2.0 का पोर्ट मिलता है और 10W का ही चार्जर आता है, तो अगर आप देखोगे Vivo U10 वो इसमें 18W का चार्जर देता है तो मेरे हिसाब से 15W तक का दे देते तो मेरे हिसाब से अच्छा होता था। देन उसके बाद USB 2.0 का पोर्ट अब इस प्राइस में यार अनएक्सेप्टेबल है मेरे हिसाब से, आपको अब टाइप सी पे आ जाना चाहिए क्योंकि अब 6000-7000 के स्मार्टफोन में टाइप सी के पोर्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्राइस में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाए, अच्छी चीज़ है। 4000 mAh की बैटरी दी हुई है, ओके काइंड ऑफ कह सकते हो। सेंसर्स सारे मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं आएगा, सेंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर PHS साइड में मिलता है, फेस अनलॉक अच्छा काम कर लेता है, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर सब मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पस सब है, कोई इश्यूज नहीं है, आपको वाइड वाइन L3 का सपोर्ट मिलता है, L1 नहीं है यानी HD का ही हो रहेगा इशू। एंड देन उसके बाद लास्ट बात करें तो उसमें आपको कैमरा 2 API का सपोर्ट भी मिलता है, यानी आप गूगल के कैमराज कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो डेडिकेटेड स्लॉट है जो कि अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा सकते हो जिसको 256 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। देन उसके बाद वेरिएंट एक ही है 4GB 64GB वाला, अच्छी चीज़ है, प्राइस 9000 रुपये है। अब रैम की बात कर लें तो इसमें आपको LPDDR4X का रैम मिलता है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, बट स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें आपको UFS का स्टोरेज नहीं मिलता, इसमें आपको eMMC वाला स्टोरेज मिलता है जो कि थोड़ा पुराना है, तो एक चीज़ अच्छी एक चीज़ पुरानी दी हुई है, ठीक है मैच कर लेंगे, देखना ही पड़ेगा, लेकिन 9000 के हिसाब से कहूँगा कि पूरी ऑफरिंग जो है दोस्तों अच्छी है, देखने लायक है, अगर आप देख सकना चाहते हो इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन तो इसकी तरफ भी देख सकते हो दोस्तों। तो ये सारी बुरी और अच्छी चीज़ें थी, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें हैं, कौन सा वाला आपको अच्छा लगा, स्मार्टफोन लेने लायक है अच्छा है, अगर आपको शो ऑफ करना है किसी को दिखाना है अच्छा स्मार्टफोन दिखने वाला कुछ अलग ढंग का तो आप इसको ले सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन है, इन्फिनिक्स वैसे भी अच्छे काम कर रहा है। कैसा लगा आपको स्मार्टफोन जरूर बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए क्यों नहीं पसंद आया दोस्तों, और भी बहुत सारे वीडियोज़ है जो मैंने प्रेडिक्शन किए थे और राइट हुए, अच्छा लगा मुझे, आप भी जाके वाला वीडियो देख सकते हो, कुछ 35-36,000 के आसपास व्यूज़ हैं उस पर जब लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो जो भी है पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया दोस्तों, साइड में देखो बैक में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।